इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 5 में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ इट इज अ स्पेस सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इन विच अनदर चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है, सपोज दो टाइप का चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये कैसा चार्ज है? ये सोर्स चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, और नेगेटिव जो चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स होगा, अंदर की तरफ होगा। नाउ अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ये अगर हम प्लेस कर दें, तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर हम बोल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो बाहर की तरफ होगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट। ओके, और ये जो और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में एक क्यू नॉट के पास रख दें तो क्या होगा? इस पर भी फोर्स एग्जर्ट होगा जो टूवर्ड्स होगा, अंदर की तरफ होगा। ओके, अब ये टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है ये भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज, दैट इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है व्हाट इज टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं क्यू नॉट। ओके, नाउ स्टेटमेंट देखने से पहले हम ये बता देंगे कि तो टेस्ट चार्ज है, आइदर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ओके, टेस्ट नेगेटिव चार्ज नहीं रखते हैं, यूजुअली हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूज करते हैं। ओके, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब और आगे पढ़ेंगे तब क्यों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्यों नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं रखते हैं, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ देखा जाता है। आप ये भी रख के टेस्ट कर सकते हैं, ये भी रख के, ये कोई जिससे अगर हम माइनस क्यू नॉट अगर रखेंगे जो नेगेटिव चार्ज होगा, टेस्ट नेगेटिव चार्ज, तो इससे कोई कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जनरली पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या डिफाइन, क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता चलेगा एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज इट्स चार्ज इज वैनिशिंगली स्मॉल, बहुत छोटा होता है, सो इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो सोर्स चार्ज है। ओके, और जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताने के लिए होता है। जो टेस्ट चार्ज होता है, इसमें इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होता है। कम होने के पीछे रीजन क्या है कि अगर कोई सोर्स चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही हो, और अगर टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल नहीं होगा, और इस टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज का वैल्यू अगर चेंज हो गया, तो हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करना है वो नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट चार्ज ऐसा, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिससे सोर्स चार्ज में कोई भी इफेक्ट ना हो और जो रिजल्ट मिले वो एग्जैक्टली नियरली इक्वल हो। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, अब उसका इंटेंसिटी और डायमेंशन और एसआई यूनिट भी देखते हैं।
इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. ओके, तो अभी हम लोग देखे थे E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखेंगे. ओके, तो डिफिनेशन वही बोल रहा है, इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट पर निकालना हो तो इस पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखकर हम चेक कर सकते हैं इस पर कितना कितना फोर्स इस फील्ड के वजह से कितना स्ट्रेंथ लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है. ओके, नाउ अब हम SI यूनिट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट. नाउ दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है और फोर्स का भी डायरेक्शन होता है. ओके, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का बोध दोनों का होगा, इसलिए वेक्टर होगा. तो फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, एंड चार्ज का हो जाएगा कूलम. तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. ओके, और अदर यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर. ओके, अब इसका हम कन्वर्जन देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या कन्वर्जन है. नाउ वन न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू वन वोल्ट पर मीटर. ओके, अब ये कन्वर्जन कैसे है. नाउ वन वोल्ट पर मीटर, नाउ वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. ओके, ये इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक अगर हम चार्ज लाएंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट, इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. ओके, पोटेंशियल, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही आया है, वर्क डन पर चार्ज. ओके, एंड ये मीटर ऑलरेडी है बाय मीटर. नाउ वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वर्क डन बाय चार्ज, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और चार्ज नीचे आ गया तो ये क्यू हो गया. ओके, और मीटर ऑलरेडी था. नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा, मीटर में होगा, तो मीटर बाय मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फोर्स बाय चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम. ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ अब डायमेंशन देखते हैं कैसे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम. तो न्यूटन का डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर माइनस टू एंड ए इंटू टी चार्ज का डायमेंशन. तो फाइनल हमको डायमेंशन ये मिलेगा एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट डायमेंशन भी पूछा जाता है फॉर वन मार्क क्वेश्चन में. ओके, ये जो कन्वर्जन है वन मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नाउ फोर्स कैसे निकालेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू फोर्स बाय चार्ज. तो फोर्स कितना हो जाएगा, अगर कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को प्लेस कर दें. ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो ये फोर्स कितना होगा, तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो हमको पता है E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो फोर्स कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू. ओके, वेयर F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज उसमें रखा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ इसमें दो केसेस हैं, दो केसेस क्या है वो भी देख लेते हैं. फॉर पॉजिटिव चार्ज F डायरेक्शन विल बी अलोंग E डायरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस डायरेक्शन होगा वही एफ का डायरेक्शन होगा. ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, टेस्ट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लेते हैं. बस इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हम जो ना देखो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ई का अलॉन्ग हो जाए होगा. ओके, इसलिए यूजुअली हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, बस यही करने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो याद भी इजीली हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, जितना फोर्स इस पर एक्सपीरियंस कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब सेकेंड केस में अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दें
तो नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ओके तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसको इसको ये डायरेक्शन से भी हम बता सकते हैं और आइदर इसके लिए हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यहां जो चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फॉर्मूला में अगर हम पुट करें ई इज इक्वल्स टू एफ बाय माइनस क्यू, तो ये चार्ज हो जाएगा, तो एफ कितना हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई, और इसको हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसलिए चार्ज में हम यहां पर माइनस पुट किए हैं। ओके तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो गया फोर्स, अगर ये हो गया, अब देखो स्टूडेंट्स ना फोर्स का डायरेक्शन और यहां पर जो ई है ये क्या हो गया माइनस हो गया, इट मींस ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ और ई के बीच में डायरेक्शन ऑपोजिट है, एफ और ई के बीच में डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो डायरेक्शन फोर्स का, फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिस पर हम कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ओके तो नाउ अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस क्यू इज प्लेस दैट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया गया है ऑन एयर एंड मीडियम, तो इस पर ये मीडियम जिस पर रखा गया है कैसा मीडियम है, एयर है। एट पॉइंट बी अ टेस्ट चार्ज, अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, तो हम जिस पॉइंट पर भी इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज पोजिशन कर देंगे। ओके इज टू बी डिटरमाइंड सिंस फोर्स इज रिपल्सिव, ओके सिंस फोर्स इज रिपल्सिव, क्यों रिपल्सिव होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स रिपल्सिव होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में हो गया। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकलता है तो ये बाहर की तरफ दिख जाएगा, तो ई का डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगा, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ई पर अगर होगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ओके नाउ अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, कूलम्स लॉ के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे, तो कूलम्स लॉ से कैसे डिटरमाइन करेंगे, नाउ एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, तो दो चार्ज रखा गया दोनों पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो ये फोर्स निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ से, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट ही वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और जिस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हम यहां पर यूज करेंगे एंड असाइन इट होगा न्यूटन पर कूलम। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ऑन टू, ओके तो ई एफ का वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। Now, ये Q0 और ये Q0 कैंसल आउट हो जाएगा, अब Q0 Q0 कैंसल आउट हो गया तो हमको फॉर्मूला क्या मिला 1 upon 4 by epsilon naught Q upon R square, तो ये सिर्फ जो सोर्स चार्ज होता है सोर्स चार्ज उसी पर डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिस चार्ज का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा सिर्फ वही चार्ज को लिखेंगे, बाद बाकी फॉर्मूला पूरा कूलम्स लॉ का सेम रहेगा, दो चार्ज हम नहीं लिखेंगे। ओके तो फाइनल ई का हमको फॉर्मूला ये मिला ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके ये फाइनल फॉर्मूला होगा। ओके तो देखो स्टूडेंट यहां पर फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है ना, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब इसमें अगर हम डायरेक्शन दे दिए तो ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम डायरेक्शन क्या देंगे आर कैप। अब ये आर कैप कैसे आया है, ये आर कैप ऐसे आया है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर है, तो इस पॉइंट को अगर हम 0,0 ले लें तो इससे इसका पोजिशन कितना हो जाएगा आर वेक्टर आर कैप हो जाएगा, ये क्यू नॉट का पोजिशन, तो ये क्यू नॉट का पोजिशन ही आर कैप दिया गया है, तो जिससे हम जिस पॉइंट का निकालते हैं उस पॉइंट पर हम आर कैप दे देंगे और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही उसका पोजिशन वेक्टर भी होता है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. नाउ नाउ स्टूडेंट्स, हमने कूलम्स लॉ में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर एन नंबर ऑफ, अगर कोई प्लेन पर अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल दैट इज चार्जेस है, तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, या एन नंबर ऑफ चार्जेस है, ये क्या करेगा, एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके, नाउ अब फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आएगा, क्योंकि एक प्लेन पर अगर एन नंबर ऑफ चार्जेस है तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे पूरा का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालेंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन पर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 .. EN जितना भी है, और फॉर्मूला बस उसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम निकाले थे 1/4πε0 सोर्स चार्ज जो हम लेंगे सिर्फ, दैट इज Q1/r² into उसका जो पोजिशन वेक्टर होगा, जो इसका पोजिशन वेक्टर अगर हम इससे ले लें तो ये क्या होगा, R1 कैप होगा. तो ये R1 हो गया. ओके, ये R1 कैप, उसी तरह से R2 कैप, R3 कैप .. एंड ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 फॉर n नंबर. तो समेशन, सब का समेशन कर देंगे, तो समेशन में फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ I2N Qi Ri² × Ri कैप. तो I कहां से कहां तक जाएगा, 1 to N तक जाएगा. ओके, अब यहां पर एक चीज नोट करने का है, वो नोट क्या है, नोट ये है कि ना सिंस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², तो ये क्या ओबे करता है, इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पड़ेगा, यानी R अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा. देखो डिक्रीज कर, R बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है. देखो ओके, R बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आज हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है. एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रोटॉन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 पिकोमीटर. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन जो लोकेट करता है, इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे. ओके, गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेपरेशन हुआ है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हुआ है. ओके, और डिस्टेंस कितना है, 0.16 पिकोमीटर. नाउ 0.16 ये आर है, 0.16 पिकोमीटर दिया है. नाउ 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10^-16 मीटर होगा, सॉरी -12 मीटर होगा. तो 0.16 पिकोमीटर कितना हो जाएगा, 0.16 × 10^-12 मीटर. ओके, और नाउ अब इन दोनों के बीच में तो टोटल डिस्टेंस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.16 × 10^-12. अब हमको अगर इसको पॉइंट ए ले लें और इसको पॉइंट बी ले लें, और ये प्रोटॉन दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से हमको नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसको हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जैसा क्रिएट कर जैसे देखते हैं. ओके, तो अब क्या होगा, नाउ अब हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रो दैट इज E/r² दैट इज R² ओके, ये E है दैट इज चार्ज है. ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10^9 इंटू, जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10^-19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 0.16 × 10^-19
-12 इंटू 10 टू द पावर -12, ओके, हम ये सेपरेट करके लिख दिए हैं, ओके। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं, तो जो वैल्यूज है एक तरफ कर देते हैं और पावर्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 0.16 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये 9 है और ये -19 हो जाएगा और ये -12 -24 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +24, ओके। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में, ओके। अब तो ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन 0.16 इंटू 10 टू द पावर, अब ये 9 बार में जाएगा तो -10 बचेगा, -10 +24 कितना हो जाएगा +14, ओके। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5.625 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम। तो ये फाइनल आंसर होगा, और फाइनल आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे, वैल्यू देन डेसिमल, देन आप डेसिमल वैल्यूज इनटू देन पावर, ओके। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का ई हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये दिया गया है, ओके। और इस पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें, एक इलेक्ट्रॉन अगर प्लेस कर दें, नाउ ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स, ओके। तो फोर्स इस पर लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके। फॉर्मूला से भी देख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये होता है फॉर्मूला ना, तो F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, ओके। अब वैल्यूज हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं, ओके। नाउ ई का वैल्यू दिया गया है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू, और क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके। और फोर्स है तो ये फोर्स निकाल रहे हैं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 5.6 इंटू 10 टू द पावर -15 न्यूटन, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए 6 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी -6 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर पे तो मीडियम कैसा दिया गया है, एयर, तो दो चार्जेस है, ये है पोजीशन ए पर और ये है पोजीशन बी पर। चार्जेस क्यू ए है 6 माइक्रोकूलम और क्यू बी पर रखा गया है -6 माइक्रोकूलम, ओके। अपार्ट तो ये जो चार्जेस है ये एयर पे रखा गया है, ओके। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ एक्स वाई लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये एक्स वाई लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है, अगर इसका मिड पॉइंट ले लें तो ये पोजीशन ओ पर है, तो पोजीशन ओ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू ए एंड बी। तो इस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ओके। तो नाउ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ओके। तो OA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों हम निकाल रहे हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी OA एंड OB का निकालना है, ओके। तो ये क्वेश्चन पार्ट वन ए,
पार्ट ए का हम लोग अभी पहले निकालेंगे। ओके, तो पार्ट ए में सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज देख लेते हैं डायग्राम से। नाउ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या होगा, टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा, ई ए बाहर की तरफ होगा, और बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स उसी की तरफ होगा, तो ई बी भी क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में होगा, ई बी की तरफ, तो ई बी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो नेट ओ कैसे निकालेंगे, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, दोनों ऐड क्यों होगा, दोनों सेम डायरेक्शन पर है, दोनों सेम डायरेक्शन पर है। ओके, तो अब ई ए और बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई ए क्या हो जाएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये ई ए कौन से चार्ज है, क्यू नॉट क्यू ए चार्ज है, तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन आर, दैट इज ओ ए, ओ ए स्क्वायर प्लस ई बी क्या हो जाएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बी बाय ओ बी स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, नाउ वैल्यूज पुट करने से पहले देखो यहां पर क्या क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, तो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बाय ओ ए स्क्वायर प्लस क्यू बी बाय ओ बी स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा इंटू, अब इसका वैल्यू कितना है, 6 μC, तो 6 μC, माइक्रो कितना है, 10⁻⁶ होता है, तो जाएगा 6 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ओ ए, दैट इज 10 cm, तो 10/100 दैट इज 0.1 m का स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 m का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, 9 × 10⁹, अब ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0.1 का स्क्वायर और ये 0.1, अगर कॉमन लेंगे, कॉमन मीन्स अगर एलसीएम लेंगे तो ये 0.01 ही रहेगा, और ये 6 इतना, तो ये 2 × 6 × 10⁻⁶ हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ फाइनल आंसर क्या बनेगा, हमको फाइनल आंसर मिलेगा इस पोजीशन पर, यहां पर लिख देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई नेट इक्वल्स टू हमको मिलेगा, नाउ यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 × 12 12 9 = 108, तो ये हो जाएगा 108 इंटू, अब पावर्स देख लेते हैं, 10⁹ है और 10⁻⁶ है, और स्टूडेंट्स यहां से 0.01 का मतलब है 1/1/100, तो 1/100 मीन्स 10⁻² अब ऐड हो जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं 10⁹ − 6 + 2, तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 2 = 11, 11 − 6 = 5, ये हो जाएगा 5, और इसको डेसिमल में लिखेंगे 10⁷ न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा ई नेट, जो उस पर ई लग रहा है। ओके, ये पार्ट ए हुआ क्वेश्चन का। पार्ट बी क्या है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मींस इस पॉइंट पर अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ इतना मैग्नीट्यूड अगर हम प्लेस कर दें, तो उस पर फोर्स कितना होगा वो हम निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। नाउ इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज हम रख दिए, तो इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो माइनस क्यू का वैल्यू कितना होगा, 1.5 × 10⁻⁹। ओके, इस पर नाउ स्टूडेंट्स हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल इलेक्ट्रिक जो हमको ई नेट मिला है, वो ई नेट का डायरेक्शन ये है, ई जो फाइनल नेट ई मिला है, जो ओ पॉइंट पर, ये पॉइंट ओ है, अगर हमको ये डायरेक्शन में मिला है ई नेट। ओके, नाउ इस पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा एफ
फोर्स का डायरेक्शन ये और नेट ई का डायरेक्शन ये, क्योंकि माइनस नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये पार्ट बी है क्वेश्चन का। तो पार्ट बी में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल्स टू ई इन टू क्यू। तो एफ इज इक्वल्स टू ई का वैल्यू कितना है 1.08 10 टू द पावर 7 इन टू क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 1.5 इन टू 10 टू द पावर माइनस 9 और ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन। ओके, तो इस पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा वो है 1.62 इन टू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, इतना न्यूटन, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।